एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। 25,000 के नामी शादाब ने एसएसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। शादाब ने एसएसपी से उनका एनकाउंटर न किए जाने की गुजारिश भी की है और पुलिस को सहयोग करने का वायदा किया है। तो पुलिस का खौफ किस तरह से अब बदमाशों में देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। मेरठ की तस्वीरें हैं जहां किस तरह से पैर पकड़कर बाकायदा शादाब ने गुजारिश की है, एनकाउंटर न किए जाने की गुजारिश की है। हत्या करने वाले आरोपी ने किस तरह से खाकी का पैर पकड़कर यहां पर विनती की है, ये तस्वीरें हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें बता रहे हैं कि ऑपरेशन क्लीन के कारण पश्चिम में बदमाशों के हौसले किस तरह से पस्त हो चुके हैं। खाकी का पैर पकड़कर रहम की भी किस तरह से ये बदमाश मांग रहा है। शादाब इसका नाम है, एसएसपी ऑफिस जाकर इसने सरेंडर किया है और गुजारिश की है इसका एनकाउंटर न किया जाए। तो मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से बदमाशों के हौसले पस्त कर चुकी है पुलिस। खौफ इस कदर है पुलिस का कि बाकायदा इनामी बदमाश ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया है, पैर पकड़कर माफी मांगी है और आग्रह किया है कि उसका एनकाउंटर ना किया जाए। तस्वीर हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से ऑपरेशन क्लीन का असर है कि अब यूपी पुलिस का खौफ बदमाशों में घर कर गया है। आलम ये है कि थाने में पहुंचकर शातिर बदमाश सरेंडर कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि पुलिस उनका एनकाउंटर ना करे। मेरठ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से अपराधी ने थाने में जाके सरेंडर किया है। मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से बदमाश अब यहां पर पुलिस के आगे पस्त नजर आ रहे हैं। एसएसपी के सामने शादाब ने जाकर सरेंडर किया है, विनती कर रहे हैं लगातार कि पुलिस उनका एनकाउंटर ना करे। मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पश्चिमी यूपी में बदमाशों के बुरे दिन चल रहे हैं। पुलिस का खौफ इस कदर है कि बदमाश यहां पर थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर ना किया जाए।